Class, we are now on English grammar. Let's go to a new chapter, chapter number 10. This, that, these, those. सारे एक साथ आ गए क्योंकि ना अब भी तो आप बड़े भी तो हो गए हो ना. ये तो एक तरह से रिवीजन है यूकेजी का, राइट? सो दिस दैट दीज दोस, ये क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जिनको एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम, है ना? भाई प्रोनाउन क्या होते थे? ऐसे वर्ड जो नेम्स की जगह यूज़ करे जाते हैं, राइट? तो ये भी नेम्स की जगह यूज़ करे जाते हैं लेकिन इंडिकेशन के साथ, है ना? हमें इशारा करना पड़ता है, हाथ से करें या आँख से थोड़ा सा करें या कैसे भी करें कि ये चीज़. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स. तो आइए पढ़ते हैं इनको, दिस दैट दीज दोस. इसमें से जो दिस दैट है इसे ऐसे समझ सकते हैं, अभी तो मैं सिंपली बता रहा हूँ. दिस एंड दैट इस सिंगुलर के लिए यूज होएंगे, ओके? दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बैट, लाइक दैट. और दीज और दोज ये प्लूरल्स के लिए यूज होंगे. और ये भी आपको पहले से पता था कि दिस वुड बी यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर क्लोजर टू अस, नियर टू अस, दैट विच आर फार अवे. दीज में भी पास की चीज़ और दोज में दूर की चीज़. तो ये दो कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखने हैं, पास दूर और सिंगुलर प्लूरल. अभी रिवाइज हो जाएगा, सब आपको याद आ जाएगा, डोंट वरी. दिस एंड दीज आर जनरली यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट आर नियर टू अस. पता है ना मैंने, नियर टू अस. तो दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए. That and those, that and those are generally used for persons, animals, places and things that are far from us. So, मैंने यही तो बताया था ना, वो far है. तो इसमें हम क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे that is for singular and those is for plural things. Now, this and that are used with one person, animal, place or thing. These and those are used with more than one person, animal, place or thing. More than one means plural, right? Now, see the examples. This car is new. That car is old. That car means that yellow one. क्योंकि वो दूर है ना. These cars are new. तो ये blue cars हो गई, अब की बार दो हो गई तो cars हो गया, plural हो गया ना. And those cars are old. Yellow cars भी दो हो गई, plural हो गई. और लेकिन वो दूर है तो those आया. Look at the following pictures and fill in the blanks with this or that. तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या है, सिंगुलर ही है ना. तो आपको लेकिन जो इधर बनी है आपके लेफ्ट हैंड साइड, cat, bat और girl, इनको आपको this में लेना है क्योंकि तो पास है बहुत. और वो जो rat है, ball है और boy है, उनको आपने डैट में लेना है. मैं आपको करके दिखाता हूँ दो एग्जाम्पल. डैश इज अ कैट, सो दिस इज अ कैट, पास में है और सिंगल है. दैट इज अ रैट, रैट तो बहुत दूर बना है, सो दैट इज अ रैट. सो बाकी ये नंबर 3, 4, 5, 6 आप अपने आप करोगे, ओके? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. Look at the following pictures and fill in the blanks with these or those. की बार भी ये जो books हैं, eggs हैं और cars हैं, you will say these for them because they are close to you. And ये जो है ना bags, balls और horses, ये थोड़ा दूर हैं तो इनके लिए आप those use करोगे. For example, these are books and those are, yes, सही सोचा आपने, bags. And what would you use for eggs, balls, cars and horses? You will decide yourself. Next देखिए, fill in the blanks with this, that, these, those. अब यहाँ पे आपको चारों combination दे दिए, this, that, these, those. अब आपको ये भी सोचना है कि दूर है या पास है या singular है या plural है. So this is my pet dog. एक ही डॉग है ना,
और पास में है तो दिस आ गया। दैट फ्लावर इज रेड, बहुत दूर है फ्लावर तो ये देखिए, तो दैट आ गया। अब की बार ये हैं चेरीज और मैंगोस, ये आप देखते हैं मुझे, मैं देखूंगा आप सही करते हो या नहीं। नाउ चेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल, वन इज डन फॉर यू। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। दिस न्यू कार, सो एक कार थी, अब आपको ज्यादा कार्स बतानी है, प्लूरल करना है, तो दीज न्यू कार्स, कार में भी एस लगा दिया, कार्स हो गया, और दिस को दीज कर दिया, तो आई थिंक यू कैन ईजीली डू दिस। चलिए एक और ले लेते हैं, दिस राइप मैंगो, दीज राइप मैंगोस, मैंगोज में, मैंगो में जब एस लगाएंगे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ई एस लगाना पड़ता है, मैंने आपको एक बार बताया था, है ना। बस इनको भी अब आप खुद ही करोगे, देखते हैं सब बच्चे ये एक्सरसाइज, जो जितना पार्ट मैंने आपको दिया है वो कैसा कैसा आप करते हो। सो ओनली दिस इन ग्रामर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।